हेलो दोस्तों और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस क्लिनिक में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक एक सिंपल मेथडोलॉजी या प्रोसीजर है जो आजकल होम आइसोलेटेड पेशेंट्स में या होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है जिन्हें कोरोना हुआ है, जो स्टेबल पेशेंट्स है उन्हें क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। ये जो ICMR से गाइडलाइंस आए हैं वो गाइडलाइंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो अप्रोच है उसे 6M अप्रोच कहा गया है। ये 6M अप्रोच क्या है, उसे कैसे फॉलो करना है और आप कैसे आपके फ्रेंड्स फैमिलीज रिलेटिव्स में ये एडवाइस कर सकते हो, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 6M अप्रोच है इसमें फर्स्ट M है मिक्सिंग, सेकेंड M है मेडिसिन, थर्ड M है मॉनिटरिंग, फोर्थ M है मील्स, फिफ्थ M है माइंडसेट और सिक्स्थ M है मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। ये मिक्सिंग इज बेसिकली अगर आपको कोविड के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप में कोविड जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत है, स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है या वीकनेस है, सो आप फैमिली मेम्बर्स के साथ मिक्सिंग करना या फिर मिक्स रहना थोड़ा सा अवॉइड करें। आपके घर में अगर सेपरेट रूम है विथ अटैच्ड टॉयलेट तो ऐसे रूम में रहना आप प्रेफर करें, जिसके वजह से ये जो इन्फेक्शन आपको हुआ है आप आपके फैमिली में स्प्रेड ना करो। सेकेंड M है मेडिसिन। अब ये जो मेडिसिन है उसके बारे में आप जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी मेडिसिन आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट किए बिना नहीं ले। जो भी आपको मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे विटामिन सी है, जिंक है, डी है, विटामिन ई है, जो एंटीबायोटिक्स है या जो फैबीफ्लू या जो मेडिसिन जो आजकल बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब करे जा रहे हैं लोगों के व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा मैसेजेस वायरल हो रहे हैं या स्प्रेड हो रहे हैं कि ये मेडिसिन आप लीजिए, सो ये मेडिसिन आप बिना आपके डॉक्टर की सलाह के ना ले। थर्ड जो M है वो है मॉनिटरिंग। आपको अगर कोविड पॉजिटिव आया है आपको दो चीज़ें आपकी बहुत रेगुलरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है ऑक्सीजन लेवल। टेम्परेचर आप नॉर्मल थर्मामीटर से मेजर कर सकते हो, आपको उसके लिए कोई भी इंफ्रारेड थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो डिजिटल थर्मामीटर आता है या नॉर्मल मर्क्यूरी वाला जो थर्मामीटर आता है जो मेडिकल्स में ईजिली अवेलेबल है, और उससे आपका जो टेम्परेचर है वो आप मेजर कर सकते हो। ऑक्सीजन लेवल जानने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर से आप वो आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जान सकते हो। फोर्थ M जो है वो है मील्स। अभी लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेरीज है कि हम लोग को क्या खाना चाहिए, खट्टा ज़्यादा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए। बेसिकली आप आपके होम कुक्ड कोई भी मील या फिर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ खा सकते हो। प्रेफरेबली ठंडी और खट्टी चीज़ें ना खाएं तो बहुत अच्छा है। आप नॉन वेज बेझिझक खा सकते हो, बिकॉज आप जितना ज़्यादा प्रोटीन डाइट रखेंगे या रखोगे ड्यूरिंग कोविड उतना जल्दी आपका रिकवरी होने में हेल्प होगा। जब हम लोग मील्स की बात करते हैं तो वाटर इंटेक भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपको मिनिमम 3-4 लीटर्स ऑफ वाटर लेना चाहिए। आप इसमें से थोड़ा सा वाटर में आप ग्लूकॉन डी, इलेक्ट्रॉल, ORS, वाइटल्स है, टैंक्स, ये जो पाउडर्स आते हैं वो ऐड करके ले सकते हैं फॉर बेटर एंड फास्टर रिकवरी। फिफ्थ इज माइंडसेट। अभी बहुत सारे लोगों में जब भी उनको पता चलता है कि मुझे कोरोना हुआ है, फॉर ऑब्वियस रीजंस वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा डर है कि ये कोरोना के वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, शायद मेरी डेथ भी हो जाए, मेरे फैमिली में कैसे होगा, मेरे फैमिली में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनमें ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा या नहीं होगा मेरे वजह से। सो ऐसे टाइम पे मैं एडवाइस करूँगा आपके जो भी फेवरेट एक्टिविटीज़ है, जैसे किसी को बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है, किसी को मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, किसी को मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छा लगता है, सो जो भी आपका फेवरेट एक्टिविटी या टाइम पास जिसे हम लोग बोलते हैं वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको आपका माइंड डाइवर्ट होने में हेल्प हो। ट्राई कीजिए, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहोगे उतना जल्दी आपका रिकवरी होने में आपको मदद मिलेगी। जितना आप निगेटिव, जितना डिप्रेस होगे उतना आपकी रिकवरी होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। सिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट M of all 6 M's here, जो आखिरी M है वो सबसे ज़्यादा important है, वो है movement towards hospital। जैसे ये word denote करता है, hospital में आपको कभी move करना चाहिए या कभी hospital में move करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में हम लोग जो guidelines है, अगर आपका age 60 plus है, अगर आपका oxygen कम है, अगर आपको diabetes, blood pressure, lung, liver या kidney कि कुछ बीमारी है तो आपको हॉस्पिटलाइज होके रहना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है। आप ऐसे अगर कंडीशंस है तो आप घर पे ना रहें। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट होने का डिसीजन ले सकते हैं।
डिपेंड करता है आपको प्राइमरी कोविड केयर, सेकेंडरी कोविड केयर या टर्शरी कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। वो डिसीजन आप आपके ट्रीटिंग फिजिशियन से कंसल्ट करके ले सकते हैं, वो आपको उस बारे में ज़्यादा बेहतर गाइड करने में हेल्प करेंगे। ये था 6M अप्रोच, जिसे आप आपके घर पे या फिर आपके नोन या अननोन या फिर फैमिली और फ्रेंड्स में भी एडवाइस कर सकते हैं, तो आपका जल्द से जल्द रिकवरी होने में हेल्प होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।